घर की फैमिली इतना अच्छा नाच रही होती है तो बाद में डांसर उनसे कहती है हमें क्यों बुलाया था भाई, तो आपके अपने घर में इतने अच्छे लोग थे। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी है, लोग पसंद करते मगर इकरार नहीं करते। तो म्यूज़िक इसी तरह है, म्यूज़िक चले हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान जो म्यूज़िक है जहाँ पे चार पांच गाने गाए तो भगवान भी मान जाता क्या काम कर रहा बताओ। इस तरीके से वहाँ गाना चला सेकंड मूवी उस वक्त का, इतनों तक गुलकार खुद ही गुलकार, खुद ही अदाकार, खुद ही मूसीकार, खुद ही हिदायतकार, खुद ही फिल्म देखी, खुद ही खुआ, खुद अपनी फिल्म लगाई, खुद चलाई, खुद इंटरव्यू किया, खुद बोतलें बेची, खुद चनों बन गया, साइकिल पर बैठा घर चलाया। गाना उस वक्त क्या था, कितना नाजुक थे ये ना जाना, हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना। ऐसे लगता कोई बराबर में बैठा हो पट्टियां करवा रहे हो या बर्फ पे बैठ गए। गाना वहां से चला हमारे पाकिस्तान में आ गया एम कलीम के पास। सारी जिंदगी नाक से गाते रहे लोग कान से सुनते गोरे घूंघट में शर्मा, ये गोरे घूंघट में शर्मा, चल बढ़ता जाए हया से सिमटी सिमटे जाए, गोरे घूंघट में शर्मा। पूरी सोचे कि ये घूंघट उठाए, वो बोले इससे पहले अल्लाह उठा ले तो बेहतर, क्योंकि हमारे यहाँ घूंघट भी उठाना पड़ता है। एक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा के लाओ, फिर उसका घूंघट भी उठाओ। ये हमारे दोस्त ने अपनी बीवी का घूंघट उठाया, भाभी अंदर बैठी हुई सिगरेट पी रही। ये क्या हुआ, लेकिन मेरी तो आदत है, मैं तो सिगरेट के बगैर रहती नहीं, ये कोई आप थोड़ी है, तो फैशन है, आपको भी दूँ। तो ये एक रस्म है कि दुल्हन को फिर घूंघट भी उठाना है, और घूंघट उठाना जो है ना वो कोई आसान काम नहीं है। आदमी घूंघट उठा के वही बात करता है जो उसका कारोबार होता है, राइट। वकील साहब ने घूंघट उठाया और घूंघट उठा के वकील एडवोकेट उन्होंने घूंघट उठाया, उठाते ही शादी बोले जो कहोगे सच कहो, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। लड़की ने सच कहा सुबह तलाक हो गए। शादी में डॉक्टर साहब के घूंघट उठाते ही शादी बोले नेक्स्ट तलाक। तो जो घूंघट उठाएगा वो पछताएगा, अलावा उसके जिसने लव मैरिज किया, लव मैरिज वाले को पता होता है कि क्या मिलने वाला है, इसीलिए ना तो उन्होंने देखा वाला होता है। जो अरेंज मैरिज होती है ना अल्लाह माफ करे, कभी कभी पूरी रकम डूब भी जाती है। दुल्हन ऐसी नहीं कराती अल्लाह माफ करे, क्योंकि हर दुल्हन जो है ना मेकअप पर डिपेंड करती है। चार सेशन होते हैं उसके, मेहंदी माइयों तेल, मेहंदी तेल, टमाटर पुदीने खीरे, पता नहीं क्या क्या लगा के उसका सारा ना अजीब डिश टाइप का बना दे। उसके बाद उसको इतना उस पर पेंटिंग होती है कि अब वो दुल्हन तैयार हो जाती है, अब उससे कहते हैं हंसना मत, तुम हंसी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बस अब ये जो भी है अल्लाह का नाम लेके निकल जाओ। अब वो लड़की घर आ गई, अब वो ना बोल रही है, बहनें रो रही हैं, तो वो चुप है, वो कह भी रही है रो रो, वो कहाँ से रोए रोए तो मेकअप चट के प्रा, प्रा, प्रा। तो बोली खुल जाए, यही होता ना हमारे दोस्त ने शादी करी, भाभी ने सुबह मुँह धो के आ गई, बबू आई वो बाहर निकल गया, अम्मा मुझे कहाँ जा रहा हूँ, बोला ये गैर होती आई हुई है, तुम्हारी बीवी है, बोले यही थी रात को भी यही थी, बोला माय गॉड टोटल लॉस। यही वजह ये औरतें खबाते हैं, जितनी भी है ना ये बारिश होती ही भागती है, जो बारिश इन पर गिरी नहीं और अंदर से ये निकली नहीं, अपने बच्चे हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, अरे अबू भाऊ भाऊ
खुदाना खास्ता साहब ऐसी नहीं होती जैसे अभी आप लोग बैठे हुए, अभी यहाँ किसी खातून ने मेकअप नहीं किया, ये मैं कसम उठा के कैसे मेकअप नहीं किया हुआ, ये सब नेचुरल ब्यूटी है माशा, पूरे हाल में किसी ने मेकअप नहीं किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जो अपनी बीवियों के साथ बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे जो मैं सुकून देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ मैं कितने पुरसकून है आप, भाभी के साथ बैठे हुए इधर देखें आप, उधर देखें, दूर तक मैं देख रहा हूँ, सब खुश है, इनके जहनों में कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनको ये फिक्र नहीं है कि आज तो जाके कुछ कहने नहीं कहाँ से आ रहे, क्योंकि जिसने पूछना उसके तो साथ ही है, तो आज की रात तो बख्शिश है। ये हमारे जो लोग हैं ना, ये हैं तो खुदा ना खास्ता शोहरों को बुरा नहीं कह रहा, मैं भी शोहर हूँ, मुझे भी ऐसे फेसेस करने पड़ती हैं चीज़ें, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम सब करते हैं, ये बच्चे पीछे बैठे हैं, ये भी इनकी शादी भी नहीं तब भी करते थे, शादी से ज़्यादा करते हैं, वो इनको बहुत शौक होता है, लड़कियाँ जो इनकी फैंस होती या इनकी दोस्त होती है वो फोन पर पूछती है कहाँ थे तुम, कहाँ से आ रहे हो, और कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, जैसे तनाज खड़े हो कहीं, क्या सबको चुप करवा दिया, क्या हुआ क्या है, इस तरह की औरतें बातें करती हैं, शक करते ना मर्दों में बहुत ज़्यादा विचार हो गया, ना माफ कर, तो बस तो बस हमारे एक दोस्त बहुत हो गए तो सब उनके घर चले गए, भाभी से ताजा के भाभी बहुत अफसोस हुआ, वो चुपी भाभी बहुत दुख हुआ, चुप भाभी बचपन का था, भाभी बचपन का था, भाभी 60 का था, वो बेचारी वो चुप ही रही, कुछ बेतकलीफ दूसरे का भाभी क्या बात है, आज आपके चेहरे पे कोई बेचैनी नहीं है, बोली आज ही तो मुझे पक्का पता है कहाँ है वो, ये कब्र तक शक करती है, ताकि मैंने औरतों से ज़्यादा शक की चीज़ किसी को देखे नहीं, जनाजा पड़ा होता उससे पूछ रही होती कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, पूछते ना वो 3-piece पहना है, लट्ठा पहना तो कहाँ जा रहा हो, मगर वफा भी बहुत है, मैंने वफा भी बहुत देखी, पाकिस्तान की औरत में वफा कूद कर, खुदा की कसम ये औरत किसी के घर में चली जाए पाकिस्तानी, ना खुद निकलती ना किसी को आने देती, क्योंकि अम्मा समझा के भेजती है कि देखो बहन मेरी बच्ची या तो मर के निकलना या मार के निकलना, दोनों चीजें वो समझ लेती है, ये चीज बड़ी अहम है, वफा की पुतलियां है, कब्रस्तान जाओ मेरे दोस्त की बीवी वहाँ बैठी हुई, मैं भी वहाँ पहुंचे तो मैं देखा पंखा चल रही कब्र पे, मैंने कहा भाभी ये भाईजान ने दोजख में टिक्के लगा दिए, उन्हें टिक्के नहीं है, इन्होंने मरते वक्त मुझे वसीयत की थी कि जब तक कब्र की मट्टी खुश्क ना हो दूसरी शादी ना करना, रोजाना आती हूँ पता नहीं कौन कमीना पानी की बाल्टी ला के चला जाए, ये सारी चीजें देखने के बाद लगता है वफा जो है ना है, तो हमें भी वफादार रहना चाहिए अपने मुल्क से वफा करो भाई, अपने मुल्क से वफा करो, अपने मुल्क पैसे भेजो यहाँ से, डॉलर्स वहाँ पाकिस्तान के बैंकों में भेजो खुदा के लिए, ताकि वो आराम से जो है ना अपना, भैया मैं कुछ किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, आप कुछ कहना चाहते हो बता दो, यहाँ से रिकॉर्डिंग भेज देते लोग आपको, 2 मिनट लगते पहुँच रहे और 15 मिनट पहुँचते हैं वहाँ से गाड़ी में पहुँचते, तो पाकिस्तान का टैलेंट जो है दुनिया में हर जगह पे पहचाना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम सफ़र भी अपनी एयरलाइन से करें।